Hello dear student, welcome to CI International School online classes. How are you all? I hope you fine. Okay बेटा, अब तक हमने डिस्कस किया था मोटिवेशन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेसन यूनिट 7 to 7.2 लेसन. उसमें टॉपिक फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या होते हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, क्योंकि व्यक्ति को मोटिवेट जो है दो ही प्रकार से किया जा सकता है, या तो फाइनेंशियली इंसेंटिव देकर या फिर नॉन फाइनेंशियली. अब यहाँ पे एक हमने टॉपिक पढ़ा था इम्पोर्टेंस में, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये जाना डिफिकल्ट होता है कि व्यक्ति कौन से मोटिवेटर हम उसको यूज करें ताकि वो व्यक्ति मोटिवेट हो, उसको अच्छा प्रमोशन दे या अच्छा एनवायरमेंट दे या फिर उसको एक अच्छी मनी का पैकेज दे, बोनस दे, ये सब जानना डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम व्यक्ति की नीड्स को पहचानना मुश्किल होता है. लेकिन ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि दो ही इंसेंटिव है मेनली जिससे व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है संस्था में कार्य करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल, और सेकेंड है नॉन फाइनेंशियल. व्यक्ति या तो दौलत से खुश होता है या फिर शोहरत से. तो आज हम शोहरत की बात करेंगे. देखिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, विच आर नॉन फाइनेंशियल, जिसमें फाइनेंशियल मनी का ऐसा कोई लेन देन नहीं कि मनी का मैटर हो, ऐसा नहीं है इसमें. विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी, जो मनी से रिलेटेड नहीं होते, जिनका डायरेक्ट रिलेशन मनी से नहीं होता. क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास काफी मनी है तो वो मनी नहीं चाहते, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी, फिजियोलॉजिकल नीड जो है पूरी हो चुकी है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए जो इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता मनी से. इट इज मोर इफेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, इट इज मोर इफेक्टिव देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड इन ऑर्डर टू मोटिवेट प्रोस्पीरियस पर्सन. ध्यान दीजिए, और इम्पोर्टेंट है ये लाइन, यह है बहुत ही इफेक्टिव मेथड है. बहुत ही क्या है, इफेक्टिव मेथड है. किससे, फाइनेंशियल रिवॉर्ड से. लेकिन कब इफेक्टिव है, कब ये जो है व्यक्ति को मोटिवेट करता है, कब, जब व्यक्ति कौन सा पर्सन हो, प्रोस्पीरियस पर्सन हो, समृद्ध पर्सन है, उसके पास काफी मनी है, ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है, अच्छा पैकेज लेता है, अब वो और अगर सैलरी का पैकेज देंगे तो वो वहां सेटिस्फाई नहीं होगा मेंटल रूप से. उसके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को प्राप्त करना उसकी एक नीड्स बन जाएगी. इसलिए यहाँ बोला गया है इसका रिलेशन मनी से नहीं है, और ये वहां ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां व्यक्ति ऑलरेडी क्या होता है, प्रोस्पीरियस पर्सन होता है, समृद्ध पर्सन होता है. ये क्या क्या सेटिस्फाई करती है, ध्यान दीजिएगा और अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में भी, ये जरूर आपको पता होना चाहिए. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल क्या था, जो फर्स्ट टू नीड्स कौन सी थी मास्लो की, फिजियोलॉजिकल नीड्स है और सेफ्टी नीड, उसको पूरा कर रही थी. तो बाकी नीड्स कौन पूरी करेगी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. फर्स्ट जैसे कि सोशल नीड्स पूरी करता है, एस्टीम नीड्स पूरी करता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को क्या करता है, पूरी करता है. अब इसके बाद आता है इसमें क्या क्या शामिल है. नॉन फाइनेंशियल है, व्यक्ति दौलत से नहीं खुश हो रहा तो शोहरत देंगे तो उससे कैसे खुश होगा, शोहरत में गुडविल से कैसे खुश होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है स्टेटस. स्टेटस स्थिति से खुश होता है व्यक्ति, उसको अच्छा एक रैंक मिले. इट कैन बी हाई और लो. रैंक जो है यानी पोजीशन, स्टेटस यानी पोजीशन. पोजीशन हाई भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लो भी हो सकता है, ये तो पता ही है सबको, या तो हाई होता है या लो होता है. रैंक डायरेक्टली लिंक विद अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैसिलिटी. जितना ज्यादा रैंक हाई होगा, यानी जितनी ज्यादा पोजीशन आपकी हाई होगी, उतनी आपको क्या मिलेगी, अथॉरिटी. अथॉरिटी में पढ़ा था आपने फ्यूचर में, अथॉरिटी का रिलेशन किससे है, पोस्ट से है. जितनी पोस्ट हाई होगी अथॉरिटी भी हाई होती जाएगी. तो रैंक डायरेक्टली किससे लिंक है, अथॉरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आपको लगता है बड़ी पोस्ट पर है, बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, जिंदगी बहुत इजीली चल रही है. लेकिन आपको जो है ये बात पता होनी चाहिए, जितनी हाई रैंक पर जाओगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ती जाएगी आपके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी तो आप बच्चे हो, बड़े हो गए, आप अपने फादर देखिए, अगर पीछे उनका जीवन देखिए तो वो फादर है, अपने उन फादर के साथ रहते थे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. अब उनकी अब अलग फैमिली होगी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, यानी जितना रैंक उनका हाई होता जाएगा
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे दिनेश सर है, पहले समझ लीजिए हमारी तरह ही टीचर, अब उनको एक कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है हमसे ज्यादा, ठीक है। एंड फैसिलिटी, और फैसिलिटी भी मिल जाती है, जैसे दिनेश सर को मिला हुआ है क्या है, ठीक है। और जैसे जैसे रैंक हाई होता है, पोजीशन हाई होती रहती है, व्यक्ति को क्या मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। सेपरेट कैबिन मिल जाता है, कार है, प्योन है, ये सब सर्विसेज उसको फ्री में मिल जाती है, यानी फैसिलिटी मिल जाती है। कब? जब उसका रैंक क्या होता जाता है, हाई। तो ये था स्टेटस, इट सेटिस्फाइड। हाँ जी, ध्यान दीजिए और ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, कि ये किसको सेटिस्फाई करता है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कैसे, मनी तो मिल ही रही है, ठीक है। और ये जो है पूरी करता है, एक तो साइकोलॉजिकल, एक तो मनी मिल रही है, मेंटली रूप से भी क्या है व्यक्ति सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा है सोशल, एंड थर्ड स्टीम। सोशल नीड्स को भी क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। और इसके साथ ही जो व्यक्ति आकम प्राप्ति चाहता है कि मुझे पोजीशन मिले, वो इसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। स्टेटस से व्यक्ति मेंटली रूप से जो है खुश हो जाता है, और माइंड उसको फ्रेश हो जाता है, आगे और तरक्की करने के लिए और हार्डवर्क करता है। सोशली समाज में उसको सम्मान तो मिलता है, और स्टीम वो खुद भी अंदर से सेटिस्फाई होता है कि मुझे जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। तो ये था बेटा स्टेटस। स्टेटस हाई भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लो भी हो सकता है। रैंक का रिलेशन होता है, जितनी ज्यादा रैंक होगी यानी जितनी हाई पोस्ट होगी, आपके पास क्या बढ़ती जाएगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड बहुत अच्छा पॉइंट कौन सा, फैसिलिटी बढ़ती जाएगी। और ये आपकी सेटिस्फाई करता स्टीम नीड्स, और मेंटल रूप से आपको, साइकोलॉजिकल रूप से आपको सेटिस्फाई कर देता है, स्टीम नीड्स आपकी पूरी हो जाती है। तो ये था स्टेटस। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। देखिए सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट यानी वातावरण, कुछ व्यक्ति चाहते हैं हम कम काम तो कर रहे हैं, हमें ठीक है, अच्छा जो है सैलरी भी ठीक है, इतना काम चल जाता है, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, इतना यहाँ पर पैकेज मिल रहा है, लेकिन इसके बाद वो चाहते हैं हमें अच्छा क्या मिले, वातावरण मिले। ऐसे नहीं कि कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। वो ये भी चाहते हैं जैसे हम काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि हम केवल टीचिंग करें और चले जाएं, हम भी चाहते हैं हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिले, हम अपने तरीके से काम कर सके, जहां ये हमें नहीं मिलेगा शायद हम वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है, इट मीन्स वर्किंग सिस्टम। इसका अभिप्राय वर्किंग सिस्टम है, वर्किंग कैसा सिस्टम चल रहा है कार्य करने का। इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, ध्यान दीजिए यही अंडरलाइन करना आपको बुक में, इंडिविजुअल फ्रीडम। क्या इंक्लूड है, इंडिविजुअल फ्रीडम। व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, जब भी जहां कार्य करे उसको वहां इतनी तो फ्रीडम हो कि बोले, ये नहीं कि आ रहा है और जो ओनर है उस पर हुक्म चलाए जा रहे हैं, ठीक है वो कहे जो कहेंगे ओनर वो करना पड़ेगा, लेकिन इतनी तो फ्रीडम हो कि वो अपनी बात को आगे रख सके जो सही हो। इसके अलावा अवार्ड्स, अवार्ड से व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है, तो उनको अवार्ड मिलनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए, इम्पोर्टेंस। उसे ये कहना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो छोटे ही कार्य क्यों ना हो, लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में अगर सफाई नहीं होगी तो कैसे आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, एंटर भी नहीं कर पाएंगे स्कूल में। तो कहने को उनका बहुत ही छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंस है। जब तक वो सफाई नहीं करेंगे हम स्टार्ट नहीं कर सकते अपने क्लासेस, हम स्कूल में एंटर नहीं कर सकते, तो देखिए वहां उनका इम्पोर्टेंस है। तो यही बोला इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस देना है, उनसे समझाना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है, और आपके कार्य से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के और कार्य क्या हो पाते हैं, फुलफिल हो पाते हैं। तो ऐसा वातावरण देना है। फिर देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का अभिप्राय क्या है, वर्किंग सिस्टम। और जब काम कर रहे होते हैं वर्किंग सिस्टम में, तो हमें चाहिए फ्रीडम, हमें अच्छी फ्रीडम मिले, अवार्ड मिले, और इम्पोर्टेंस मिले, हमारे एक इम्पोर्टेंस हो, हमारे काम का क्या हो, इम्पोर्टेंस हो। अगला है करियर एडवांसमेंट क्लाइमेट। एडवांसमेंट, करियर में एडवांसमेंट मिले, मीन्स आप करियर एडवांसमेंट मीन्स क्या होता है कि हमारा भविष्य जो है एक सुनिश्चित हो जाए, भविष्य में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। कौन सी अपॉर्चुनिटी हम चाहते हैं भविष्य में, ध्यान दीजिए, कौन सी, प्रमोशन की, कौन सी, प्रमोशन की। फिर देखिए
करियर एडवांसमेंट नेचर इंडिकेटर, कुछ लाइफ में एडवांस चाहिए, एडवांस तो क्या चाहिए, प्रमोशन। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रमोशन आप चाहते हैं इसके अंतर्गत, और प्रमोशन हो कब होगा इसके लिए हम लेसन काफी पढ़ चुके हैं। जब व्यक्ति को क्या दी जाएगी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ कौन सा कार्य किया जाएगा, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग कब दी जाती है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस कार्य से रिलेटेड ध्यान देना ट्रेनिंग है। डेवलपमेंट मीन्स वो जो हम कार्य कर रहे हैं वही नहीं, उसके अलावा उसको कोई नॉलेज देना सिखाना कार्य, वो क्या कहलाया जाता है, डेवलपमेंट कहलाया जाता है। किसी व्यक्ति का कार्य कुछ भी वर्क्स वाइज है, उसको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जा रहा है, हालांकि उसका काम नहीं है कंप्यूटर, पर फिर भी उसका नॉलेज दिया जा रहा है, तो इससे उसका क्या हो रहा है, व्यक्ति का डेवलपमेंट। आने वाले समय में वो कंप्यूटर को भी हैंडल कर सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य को क्या कर सकता है, हैंडल, तो वहां उसका प्रमोशन हो सकता है, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, एवेन्यू फोर प्रमोशन आर अवेलेबल एम्प्लॉई गैप मोटिवेटेड। अगर व्यक्ति को पास कौन सा मार्ग खुल जाता है, प्रमोशन का मार्ग खुल जाता है, तो व्यक्ति इस बात से क्या होते हैं मोटिवेटेड होते हैं, इस बात से क्या होते हैं मोटिवेटेड। फिर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्टेटस, स्टेटस हाई हो सकता है और लो हो सकता है। जैसे स्टेटस अथॉरिटी दे देना है, स्टेटस यानी जैसे पोजीशन हाई होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटी बढ़ती जाएगी। सेकेंड क्लाइमेट में क्या होगा, हमें एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, हमारी इम्पोर्टेंस, ये तीन वर्ड इम्पोर्टेंट है। करियर एडवांसमेंट में तो सिर्फ क्या आएगा, प्रमोशन, केस स्टडी आएगी, तो इसी तरीके से लिखा आएगा कि प्रमोशन का मार्ग खुल रहा है, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। जब केस स्टडी कराएंगे तो वहां आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट आना है। फिलहाल ये कुछ पॉइंट जो मैंने बताए इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। और प्रमोशन कब होता है, जब क्या दी जाती है, ट्रेनिंग है डेवलपमेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जॉब एनरिचमेंट यानी जॉब समृद्धि। समृद्धि कार्य में समृद्धि हो, कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस आए, इसका अभिप्राय क्या है, इट रिफर्स इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब। इसका अभिप्राय इंक्रीज करना है, किसका, जॉब की इंपॉर्टेंस को, यानी हम कोई जॉब कर रहे हैं उसमें कुछ एडवांस आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, जैसे कि जॉब शुड हैव, जॉब में क्या क्या होनी चाहिए, हमें एक अथॉरिटी मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी हो, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, एक ऐसा अच्छा कार्य मिले जब हम उसको करें तो हम अच्छा फील करें, मोटिवेट हम खुद ही हो उस कार्य को करने के लिए। हायर नॉलेज, देखिए जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीज करना है, क्या इंक्रीज होना है, इम्पोर्टेंस जॉब का, जॉब का इम्पोर्टेंस कब इंक्रीज, उसमें कुछ ऐड होना चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए कि जब उस कार्य को करें तो हाई क्या मिले हमें, नॉलेज, और अच्छे कार्य करते करते हम हाई क्या हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। और अगर हम किसी दूसरी संस्था में भी जाए तो हमें एक अच्छा पैकेज मिले, हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो, ऐसा कार्य हमें मिलना चाहिए, तो ये कहलाया जाता है जॉब एनरिचमेंट। तो व्यक्ति इससे भी क्या होता है, प्रेरित होता है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य दिया जाए जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको अथॉरिटी भी दी जाए, साथ में जब वो कार्य को करे उसको हाई क्या मिले, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ये सब आपको जो है अंडरलाइन करने हैं और याद भी करने हैं। जॉब एनरिचमेंट में फिर बता देती हूँ, अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, साथ में नॉलेज हो, और क्या हो, एक्सपीरियंस। तो जब ये सब मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जॉब में क्या आ गया, इंपॉर्टेंस, जॉब एक समृद्धि, समृद्ध वाली जॉब, समृद्ध मीन्स हाई एक्सपीरियंस वाली जॉब, जिसमें आगे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यही जॉब आपको आगे प्रॉफिट का वैल्यू खुलाएगी, वो कहलाया जाता है जॉब एनरिचमेंट। इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी पर्सनल डेवलपमेंट, और क्या शामिल करना है, हाई नॉलेज तो हो, पर्सनल डेवलपमेंट तो वही हो गया कि पर्सनल रूप से डेवलप हो रहे हैं ताकि आगे के लिए हमारे क्या खुल जाए, प्रमोशन के मार्ग खुल जाए, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमारे खुद का भी डेवलपमेंट हो, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। देखिए जब जॉब एनरिचमेंट आएंगे सारे ही पॉइंट आपको केस स्टडी में मिलेंगे, केस स्टडी जब कराएंगे समझ जाएगा, लेकिन आपको सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जॉब एनरिचमेंट में सबसे पहले अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो, जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो तो करते करते हमें हाई नॉलेज, उससे क्या मिले, हाई एक्सपीरियंस, और करते करते हमारा क्या हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, जो हम कर रहे हो तो फ्रीडम टू टेक डिसीजन, जब कार्य को कर रहे हो तो हमें फ्रीडम मिले अपने खुद ही डिसीजन लेने की। एम्प्लॉई फील प्राउड ऑफ गेटिंग सच अ जॉब, एक एम्प्लॉई इस तरीके से कार्य करते हुए क्या करता है, फील करता है, अपने आप को क्या फील करता है, मोटिवेट, उसे लगता है मेरा एक इम्पोर्टेंस है, मेरी जॉब का एक इम्पोर्टेंस है, ये कहलाया जाता है जॉब एनरिचमेंट। फिर देखिए जॉब एनरिचमेंट क्या है, इसका अभिप्राय
इंक्रीज करना है, किसका इंक्रीज करना है, जॉब का इंपोर्टेंस। जॉब का इंपोर्टेंस कब इंक्रीज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिली, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मिल जाएगी कार्य के साथ अथॉरिटी, और करते करते आपको हाई उसमें क्या मिल रहा हो, एक्सपीरियंस और नॉलेज। हाई क्या मिल रहा हो, एक्सपीरियंस और नॉलेज। जब हाई एक्सपीरियंस नॉलेज मिल रहा है तो थर्ड करते करते आपका पर्सनल भी क्या हो रहा हो, डेवलपमेंट। उस कार्य को करते करते पर्सनली क्या हो रहा हो, डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा हो, लेकिन साथ में क्या हो, फ्रीडम हो। किसकी फ्रीडम हो, डिसीजन लेने की। इसी बात से व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है। इस तरीके के कार्य को करते हुए वो क्या फील करता है, प्राउड फील करता है। क्या फील करता है, प्राउड। ये फोर पॉइंट उसे क्या फील कराते हैं, प्राउड फील कराते हैं। इसे कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ये किस स्टडी में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं वर्ड ये देना। रोप एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम कहलाया जाता है, यानी उनको एक मान्यता दे रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, इट मीन्स ही शुड हैव आइडेंटिटी अपीयर डिस्टिंक्टिव। इसका अभिप्राय जो व्यक्ति है उसकी एक अलग क्या बने, संस्था में आइडेंटिटी बने, साथ में क्या बने, अपीयर डिस्टिंक्टिव, वो एक अलग ही उसकी पहचान बने, वो कहलाया जाता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। फिर देखिए एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या है, इट मीन्स व्यक्ति की अपनी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपीयर डिस्टिंक्टिव, वो एक अलग उसकी पहचान बने, वो सब में अलग आए, अब सब में अलग नजर आए, वो कहलाया जाता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो कैसे अलग नजर आएगा, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से हम प्रोग्राम करें ताकि व्यक्ति की अलग आइडेंटिटी बनी रहे और वो अलग नजर आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी संस्था क्या कर सकती है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग फॉर गुड वर्क। तो फर्स्ट कार्य संस्था ये कर सकती है कि अच्छा कार्य व्यक्ति ने करा है तो उसको सभा में क्या किया जाए, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए। कॉन्ग्रेचुलेट यही नहीं कि अकेले किया जाए, दूसरे व्यक्ति के सामने किया जाएगा तो व्यक्ति वो मोटिवेट होगा। इसके बाद डिस्प्लेइंग अचीवमेंट एंड पब्लिशिंग इन मैगजीन। जितनी भी अचीवमेंट प्राप्त की है, जितनी भी अच्छे वर्क किए हैं, कोई भी अचीवमेंट एक्स वाई जेड है, उसको डिस्प्ले करना है, बोर्ड पर डिस्प्ले करना है ताकि आते जाते व्यक्ति देख ले इसने अचीवमेंट की है। जैसे कि अब इतना अच्छा हमारा रिजल्ट आया है, तो जब तक हम डिस्प्ले नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है उस रिजल्ट का, व्यक्ति मोटिवेट नहीं होंगे, आने वाले स्टूडेंट भी मोटिवेट नहीं होंगे अगर हमने डिस्प्ले नहीं किया। तो डिस्प्ले करने से वो व्यक्ति भी मोटिवेट होता है जिसने अचीवमेंट की, और जिसने नहीं करी अचीवमेंट वो आगे अचीवमेंट के लिए मोटिवेट हो जाता है। एंड पब्लिशिंग मैगजीन, और मैगजीन तो पब्लिश करती रहती है संस्था, तो उसमें भी क्या करना है, पब्लिश करना है। जैसे हम भी जो है अपना प्रोस्पेक्टस जो है जारी करते हैं स्कूल के, तो उसमें पब्लिश कर दिए जाते हैं सारे अचीवमेंट। तो यही वो और कुछ नहीं क्या कहलाया जाता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसके बाद अवार्डिंग सर्टिफिकेट सेरेमोनियल फंक्शन, यानी उत्सव संबंधी फंक्शन में क्या देना सर्टिफिकेट। उत्सव कुछ भी हो सकता है संस्था का, जैसे कोई अच्छा हाई प्रॉफिट हो गया वो उसके लिए उत्सव हो गया, उसके लिए फंक्शन करा, जैसे हमारा रिजल्ट आया है तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है उसके लिए हमने सभी स्टूडेंट को बुला लिया मान लीजिए, और वहां पर एक फंक्शन कर रहे हैं छोटा सा स्टूडेंट्स को ही बुलाकर, तो वो और कुछ नहीं सेरेमोनियल फंक्शन का ही एक पार्ट कहलाया जाता है। तो वहां पर उसे क्या दिया जाता है, अवार्ड। जैसे कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो अब आगे कोई भी फंक्शन होगा, चाहे 15 अगस्त का होता है या 26 का भी होता है, तो वहां पर उन्हें अवार्ड मिलता है। तो वो और कुछ नहीं क्या कहलाया जाता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इससे व्यक्ति क्या होते हैं, मोटिवेट, वो भी व्यक्ति जिन्होंने अचीवमेंट ली है और वो भी व्यक्ति जिन्होंने अचीवमेंट अभी तक नहीं ली है। प्रेजेंटिंग मिमेंटोज यानी आप कह सकते हैं यादगार, कुछ यादगार स्मृति प्रेजेंट करना, जैसे कुछ भी कह सकते हैं यादगार के लिए ट्रॉफी दे दी, वो कहलाया जाता है मिमेंटोज, एक यादगार लंबे समय तक याद रहता है। आपको कोई भी ट्रॉफी मिल गई है, आप कितने भी एज के हो जाए, आपके पास अगर वो ट्रॉफी आपको याद दिलाएगी कि मैंने ये अचीवमेंट क्या की थी, गेन की थी, तो उस वो उसे कहते हैं। ये छोटा से बहुत अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं, जिस छोटा बेबी है उसके फुट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं उसके फुट को प्रिंट कर लेते हैं, यानी एक पेज पर उसको फुट को प्रिंट कर लेते हैं और वो फुट जो है कहीं भी डिस्प्ले कर देते हैं अपने रूम में, ताकि वो उसको याद रहे कि बेबी था इतना छोटा था उसके फुट इतने थे, वो सब यादगार रहते हैं। इनको कहते हैं मिमेंटोस, यानी यादगार जो लंबे समय तक याद रहे। इसके बाद आता है ऑनरिंग वैल्यूएबल सजेशन,
किसकी बहुत अच्छी सजेशन किसी व्यक्ति ने दी हो तो उसको क्या देना है, सम्मान देना है। उसको क्या देना है, सम्मान देना, ये कहलाया जाता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। फिर देख लिया एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या है, इट मीन्स मान्यता देना है, उसकी अलग आइडेंटिटी हो, उसका अलग अस्तित्व नजर आए, अलग दिखे सब व्यक्तियों में, वो ऐसा इस तरीके से व्यक्ति को मोटिवेट करना है। व्यक्ति मोटिवेट कब होगा कि उसकी अलग आइडेंटिटी कब बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे लेकिन दूसरे व्यक्ति के सामने। सेकंड, अगर उसने अचीवमेंट की है तो उसको डिस्प्ले करेंगे बोर्ड पर या मैगजीन में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। थर्ड, उसको अवार्ड दे सकते हैं, कहाँ पर, कुछ फंक्शन है वहां पर अवार्ड दे सकते हैं। अवार्ड देखते हैं ना, टीवी में दिखाई जाता है अवार्ड मिल रहा, तो और कुछ नहीं, ये एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम कहलाया जाता है, यानी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मोटिवेटर है। इसके बाद कह सकते हैं मेमेंटोस ट्रॉफी दे दी ताकि लंबे समय तक याद रहे, वो ट्रॉफी वो हर किसी को दिखाएगा, इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा किसी टाइम पर इस व्यक्ति ने ये अचीवमेंट प्राप्त की थी, और वो ट्रॉफी जब उसके सामने रहेगी वो और मोटिवेट होगा और ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा वैल्यूएबल सजेशन, किसी ने अच्छी सजेशन दी है तो उसका सम्मान करना, उसको इज्जत देना, सबके आगे उसके बारे में कहना, और कुछ नहीं, क्या कहलाया जाता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ये बेटा सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के टाइप थे। कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या होता है, हाई या लो हो सकता है। जितना ज्यादा रैंक हाई होगी उतनी ज्यादा आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या मिलेगी, फैसिलिटी। दूसरा हमने क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में क्या क्या बताया, क्या मिलना चाहिए, तो फ्रीडम मिलनी चाहिए, अच्छा हमें एनवायरमेंट मिलना चाहिए, हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है, हम कुछ कह सके कर सके, ये सब, अवार्ड भी मिलना चाहिए हमें, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्लाइमेट। थर्ड क्या बताया, करियर एडवांसमेंट, यानी अपॉर्चुनिटी मिले किसके लिए, प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, इसके लिए क्या प्रावधान करती है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद जॉब एम्बिशन बता ही दिया है, इस अभिप्राय इंक्रीज करना इंपॉर्टेंस जॉब का, जैसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हाई नॉलेज बढ़ेगा, फ्रीडम दे दी, पर्सनल डेवलपमेंट, इससे व्यक्ति फील प्राउड करेगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये तो बहुत ही सिंपल है, व्यक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, मैगजीन में अचीवमेंट दे दी, या उसको ट्रॉफी दे दी, या उसको सर्टिफिकेट दे दिया, या कुछ वैल्यूएबल्स कुछ सजेशन के लिए सम्मान दे दिया, तो ये सब कहलाए जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी व्यक्ति दौलत नहीं तो कुछ शोहरत से ही क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। ओके बेटा, इसकी आगे नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।